निधि तुम ठीक हो ना बेटा? अंजना जी, क्या बताएं आपको, साहिल का बर्ताव देखकर हमें घबराहट हो रही है। उसका मानना कुछ भी हो, लेकिन साहिल की पत्नी है निधि। हमें डर है कि कहीं आगे जाकर के। आप चिंता मत कीजिए समधन जी, निधि अब हमारे घर की बहू है, इसकी खुशी अब हमारी जिम्मेदारी है। साहिल इसे जरूर स्वीकार करेगा, ये हमारा वादा है आपसे। अंजना जी, बहू को लेकर आओ। आओ बेटा। अपना ख्याल रखना बेटा, हमेशा खुश रहना। चल चलो। नमस्ते। चलो बेटा। नहीं कहां रह गई। अरे अरे, जाओ जाओ, आरती की थाली लाओ। हम आरती तो उतारे अपनी महान बेटी की। माँ प्लीज, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं। जो किया है सोच समझ के किया है, और वैसे भी अब से मुझे इस पे कोई सवाल जवाब नहीं करने। आर्या बेटा, जाओ कपड़े बदल लो। हम होते कौन है कुछ कहने वाले, हम तो बस चुपचाप बैठकर तेरी बर्बादी देखे, है ना? अरे वाह, आज तेरी पटर पटर नहीं सुननी पड़ेगी। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। तूने तो मेरी बोलती ही बंद कर दी। माया, कितने साल से जानती है तू मुझे, मेरा यकीन कर, जो हुआ है वो साहिल के लिए बिल्कुल सही है, और मेरे लिए भी। तुम लोग प्यार करते हो ना मुझसे, इसलिए मेरी उम्र और साहिल की उम्र का फर्क भूल के उसे बढ़ावा देते रहे, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। अपनी जान पे खेल के मैंने उसकी जान बचाई, पर उसने भी तो वही किया है। हर वक्त हमेशा वो मेरे साथ खड़ा रहा है। दोस्ती निभाई है मैंने, और आगे भी निभाऊंगी। यू नो व्हाट वेदिका, मुझे तुझसे कुछ नहीं कहना है। अब मैं सिर्फ यही दुआ मांगूंगी कि जिस दिन तुझे सच समझ आए, उस दिन तुझे अपने इस फैसले का नतीजा झेलने की हिम्मत हो। जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, और कोई अफसोस नहीं है मुझे। तू देख रही है ना, नॉर्मल हूं मैं। अरे, अगर हम बड़े होश खो बैठेंगे तो छोटे को कौन समझाएगा? साहिल कहीं बाहर से ही चला गया। साहिल, जरा निधि के पास खड़ा हो जा बेटा। साहिल कहाँ जा रहा है? साहिल, साहिल हमारी बात सुन। साहिल, साहिल, साहिल। गृह प्रवेश की पूजा तो करता जा बेटा। किसका गृह प्रवेश? मैं इसी घर में रहता हूं।
भूल गए क्या आप? नई बहू आई है घर में, तुम्हारी भ्याता है निधि। घर में उसका पहला कदम पति के साथ पढ़ना चाहिए। हमेशा से यही रीत रही है हमारे घर की। हमेशा से यही रीत है इस घर की। और धोखा देने की रीत बड़ी अम्मा, वो कब शुरू हुई? अरे आपको तो बहू चीते ना, लीजिए बहू के सामने उतार लीजिए उसकी आरती, बाकी की सारे रस्में उससे करवा लीजिए। और मैं इस ढोंग में आपका साथ नहीं दूंगा। साहिल, ये बहसबाजी बंद करो और सारी रस्में पूरी करो, चलो। अरे जब मैं शादी को नहीं मानता बड़ी अम्मा, तो किस रस्म की बात कर रही हो आप? और आपको तो समाज की बहुत पड़ी है बड़ी अम्मा, तो आज एक नया एग्जाम्पल सेट कर लीजिए आप। इस देश में पहली बार बड़ी अम्मा की बहू ने अकेले घर प्रवेश किया है निधि। ऑल द बेस्ट। ऐसा अनर्थ मत कर बेटा। साहिल सुन, साहिल साहिल, आप लोगों का अगर आशीर्वाद हो तो मैं अकेले ही इस घर में गृह प्रवेश कर सकती हूँ। और रही बात साहिल की, तो बचपन से पक्के दोस्त हैं हम, कब तक नाराज रहेगा वो मुझसे? कभी ना कभी तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारेगा ही ना। और ऐसे ही कितनी सारी औरतें हैं इस देश में जो अरेंज मैरिज करती है। मैं भी उन्हीं की तरह साहिल का दिल और साहिल का प्यार जीत लूंगी। देखा, ये है अग्रवाल परिवार की बहू। चलो गृह प्रवेश करो निधि का। जी भाभी जी। अकरुण त्वाम कारणा विग्रह। जीती रहे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे बीवी मानो या ना मानो साहिल अग्रवाल, बहुत ह्यूमिलिएट किया है आज तुमने मुझे उस मंडप में। और तुम कितना भी चीखो कितना भी चिल्लाओ, अब मैं इस घर की इकलौती बहू बन गई हूँ। और जब तक तुम्हारी बड़ी अम्मा मेरे साथ हैं, इस घर से, इस खानदान से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, तुम भी नहीं। खुश रहो। बचपना छोड़ो साहिल, उन दोनों के बीच दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, नहीं है। मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों
आप शादीशुदा हो। क्या आप मुझसे शादी करेंगी वेदिका जी? हाँ साईं। के प्यार हो जाएगा। ये समझने की भूल मत करना कि आज तुम श्रीमती निधि अग्रवाल बनकर इस घर में गृह प्रवेश की हो। आज से ये घर, ये परिवार तुम्हारा हो गया है हमेशा के लिए। देखो निधि, हम और ये परिवार तुमको अपनी बहू मान भी ले, पर पत्नी होने का हक तुमको सिर्फ साहिल दे सकता है। इसलिए तुमको साहिल के दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी, वरना ये घर, ये नाम हमेशा के लिए छिन जाएगा तुमसे। निधि, इस शादी को बनाए रखना तुम्हारे हाथ में है। तुम खुद समझदार हो। हमको ये बात तुमको समझाने की जरूरत नहीं है कि मर्द कमजोर होता है। अगर साहिल के दिल में, उसकी जिंदगी में तुमको जगह बनानी है तो उसके बिस्तर पर अपना हक जमाना होगा, उसको रिझाना होगा, उसको जताना होगा कि तुमसे दूर रहकर वो काक हो रहा है। उसको इतना आनंद देना होगा, इतना आनंद दे रहा होगा कि वो तुम्हारे बिना रह नहीं पाए। और फिर हो सके तो जल्द से जल्द उसके बच्चे की मां बनना होगा। देखो, अगर तुम ये नहीं कर पाई तो लिख के ले लो कि साहिल उस औरत के पास चला जाएगा और तुमको भनक तक नहीं लगेगी। फिर ना तो तुम साहिल की पत्नी रहोगी और ना इस घर की बहू, समझी? बड़ी अम्मा, सालों से मैंने साहिल की पत्नी बनने का सपना देखा है और आज जाके वो सपना पूरा हुआ। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अगर आपका आशीर्वाद रहा मेरे सर पे, तो मैं शादी को कभी टूटने नहीं दूंगी। और ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी जरूरी है। इस बात को जितनी जल्दी हो सके समझ लो, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है। ये नाम और ये घर अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता। निधि साहिल अग्रवाल ऐसी बहू, ऐसी पत्नी बनेगी कि साहिल कहीं और जाने के लायक नहीं रहेगा। क्या मेरा तुझे शादी करके? जो रिश्ता झूठ से शुरू होता है वो रिश्ता कैसा? मुझे गलत समझ रहे हो साहिल। मैंने भी तो वही किया जो तुम कर रहे हो। तुम अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, तो क्या वो मैं नहीं कर सकती? वी आर सेम साहिल। नो, वी आर नॉट द सेम निधि, वी आर नॉट द सेम। वेदिका जी भी मुझसे प्यार करती है,
लेकिन मैं तुझसे प्यार नहीं करता निधि। And you know what? इसके बाद तो मैं तुझसे नफरत करता हूँ। वेदिका जी तेरे वजह से मुझसे दूर चली गई। I really, really hate you. अच्छा, तुम्हें क्या लगता है? वेदिका जी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। एक सच्चाई जानना चाहते हो तुम? मंडप पे दुल्हन बदलने का प्लान मेरा नहीं था, तुम्हारी वेदिका जी का था। उन्होंने ही मुझे वहां पर बुलाया था, मुझे शादी का जोड़ा दिया, मंदिर में आने को कहा और अपनी जगह पे मुझे मंडप में बैठने के लिए भेजा। उन्होंने ही मुझे मजबूर किया ये सब करने को। मैंने जो कुछ भी किया ना साहिल, सब कुछ तुम्हारे लिए किया, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू साहिल। वेदिका जी को गलत ठहरा कर तुम सही नहीं हो। दोस्ती, दोस्त मानती हो तुम मुझे? तो मेरा प्यार पाने में मेरी मदद क्यों नहीं की तुमने? झूठी है तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारा प्यार। ठीक है, लेकिन अभी जो भी हो गया वो तो हो गया निधि, उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन एक और चीज है जो कभी नहीं बदलेगी, और वो है मेरा वेदिका जी के लिए प्यार। मैं उनसे आज, कल, इस जन्म और अगले 7 जन्म और उसके बाद भी इतना ही प्यार करूंगा। लेकिन जो तूने किया ना निधि, उसका नतीजा तो तू देखेगी। एंड आई प्रॉमिस यू दैट। याद रखना साहिल, हमारी शादी हो चुकी है और इस बात को अब कोई नहीं बदल सकता कि तुम और मैं हस्बैंड वाइफ हैं। तुम मुझसे प्यार करो या मत करो, लेकिन मैं तुझसे प्यार करती हूँ साहिल। आई रियली लव यू। डिस्टेंस, डिस्टेंस, कीप सेफ डिस्टेंस। क्योंकि तू और मेरा परिवार ये मान सकते हैं कि तू मुझसे प्यार करती है, तू मेरे साथ शादी कर चुकी है, लेकिन मैं ये कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने दिल और दिमाग में वेदिका जी से शादी की है, उनके साथ फेरे लिए मैंने। तो तेरा मेरे लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है निधि। अगर तुझे इस घर की बहू बनना ही है तो बन सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, कहीं भी रह लेना। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ वेदिका जी रहेगी। तू कभी उनकी जगह नहीं ले सकती। मिस निधि, तेरे पार्टी। आपसे तो कुछ नहीं छुपा भगवान, आप तो जानते हैं मैंने जो किया वो क्यों किया। साहिल की भलाई इसी में थी, तो फिर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है? नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई रोने की? आंसू मतलब कमजोरी की निशानी, और तू कमजोर नहीं है साहिल, तू कमजोर नहीं है। अगर आपको लगता है वेदिका जी
कि मैं आपकी जिंदगी से चला गया हूं तो आप गलत सोच रही हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे लव स्टोरी का नया चैप्टर शुरू होगा। मुझे हिम्मत दीजिए भगवान, और साहिल को भी ताकत दीजिए कि वो ये सब भुला के आगे बढ़ सके। कल की सुबह हम दोनों के लिए, हमारी जिंदगी के लिए एक नई सुबह बन सके भगवान, हमें हिम्मत दीजिए।